पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं ये होममेड फेशियल जेल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो देर किस बात की है, बजा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। गर्मियाँ शुरू होने के साथ ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में टैनिंग, सनबर्न, हीट रशेस, धूप से एलर्जी और एक्ने, ब्रेकआउट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं धूप न सिर्फ त्वचा का निखार कम करता है बल्कि स्किन हेल्थ को भी नुकसान भी पहुँचाता है। इसलिए गर्मियों में उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्राकृतिक होने के साथ स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं। अब जब बात प्राकृतिक चीज़ों की आए तो सदियों से अपनाए जा रहे घरेलू नुस्खों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम इस चैनल पे बहुत सारे घरेलू नुस्खे ही हम आपको बता रहे हैं जो दादा दादियों के टाइम से, उनके भी पहले के टाइम से चले आ रहे हैं। सिर्फ हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, स्टाइल ज़रा मॉडर्न हो गया है, बाकी तरीके वही हैं। ये न सिर्फ त्वचा पर ग्लो लाते हैं बल्कि स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। इसी विषय पर गौर करते हुए आज हम लेकर आए हैं पपीता और गुलाब जल फेशियल जेल तैयार करने की विधि। ये जेल स्किन हेल्थ बेहतर बनाने के लिए त्वचा की कई समस्याओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं घर पर फेशियल जेल बनाने का तरीका। घर पर पपीते से फेशियल जेल कैसे बनाएं? तो शुरू करते हैं। पपाया फेशियल जेल तैयार करने के लिए एक बाउल में 5 से 6 चम्मच पपीते का गूदा या पल्प लें। पपीता पका हुआ रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच एलोवेरा डालें और 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। आखिर में विटामिन ई की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसे तैयार करने के बाद किसी कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर कर दें। रात को सोने से पहले पपाया जेल से मसाज करें और 15 मिनट के बाद चेहरा साफ कर लें, ताजे पानी से चेहरे को साफ कर लें। इस फेशियल जेल को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा, अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज में रखना, जनरली सभी के घर में फ्रिज है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फ़ायदेमंद है पपैया जेल। पपैया में पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। वहीं पपीते में विटामिन ए सी ई के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो एजिंग प्रोसेस को धीमा करने के साथ त्वचा को पोषण देने और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। वहीं एलोवेरा जेल में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो डार्क स्पॉट्स और कील मुहासों की समस्या कम करके त्वचा को नमी देने में मदद करता है। घर पर रोज फेशियल कैसे बनाएं? रोज फेशियल जेल तैयार करने के लिए बाउल में 3 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसके साथ ही इसमें 3 चम्मच रोज बटर लें और 1 चम्मच बादाम का तेल मिलाएं। आखिर में विटामिन ई ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर मिक्सर तैयार कर लें। इस जेल को रात को सोने से पहले या नहाने के आधा घंटे पहले चेहरे पर मसाज करें, उसके बाद सादे पानी से चेहरा साफ कर लें। दो मैं आपको बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज फेशियल जेल कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है। गुलाब जल स्किन को टोन करके
फ्रेशनेस लाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल त्वचा को मॉइस्चराइज करके नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसमें हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जिससे यह सनबर्न की समस्या से राहत दे सकता है। बादाम तेल का इस्तेमाल करने से रंगत में सुधार होने के साथ स्किन टोन में भी बेहतर हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो त्वचा की सूजन दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ आप भी और भी जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।